पति क्यों है? पापा की नहीं ले रहे हेलो गुड इवनिंग। तो तबीयत तो हम लोग का जस्ट कतर से बल्कि उससे ज्यादा हो गया है। सर्दी वर्दी एकदम मतलब बह रहा है ना दीपो। तो आप लोग उपाय बताइएगा जल्दी ठीक होने का। और थोड़ा सा जरूरी काम आ जाने के कारण हम लोग जा रहे हैं दुकान। नीति का कुछ सामान लेना है, नीति के पापा के लिए कुछ लेना है, तो चलते हैं। नीति थोड़ा निकल गई है आगे उसके बड़े पापा के साथ में। तो आप लोग मेरे को उपाय बताइएगा, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, दिख भी रही होंगी थोड़ी सी अलग और आवाज़ भी थोड़ा आ रहा होगा अलग। तो चलते हैं। कहता है देखो नीति पहले ही आ गई थी। वहाँ पे हम लोग समझ नहीं ऑर्डर किया गया है मीन्स द्वारा सामान खरीद के भिजवा देना। खींचो भैया मैं पकड़ी हूँ नीचे रखो। ये पापा का सामान अभी ले लिया है तो फिर भैया मदद किए लेने में। और अभी नीति का काम है, क्या लेना है नीति? ड्रेस। ड्रेस तो चलते हैं अभी कपड़ा दुकान में, यहाँ से जाएंगे हम लोग कपड़ा दुकान। धीरे धीरे शाम हो रहा है। बाबू बाबू उधर देख, मजा आ रहा है बाबू को घूमने के लिए। अभी वैसे भी हम लोग घूमने वगैरह नहीं जा रहे हैं। तो ये तो मेरे लिए ठीक ही है पर मेरे को बस थोड़ा छोटा चाहिए। छोटा बड़ा ये आया ना, देखो ये ठीक है लेकिन इसमें कॉलर है, चलेगा ना? चलेगा। हुआ बाबू को। अभी हम लोग आ गए हैं सिंगार दुकान। यहाँ से हम लोग नीति के लिए क्या ले रहे हैं तू बताओ? रिबन। रिबन कौन से कलर का? ऑरेंज, ग्रीन और वाइट, यानी कि बीच में वाइट लगाना है। कहाँ पे लगाएगी रिबन को? हाथ में, दोनों हाथ में। और यहाँ से क्या चाहिए तुमको? खंगी और रिबन। रिबन तो ले रहे हैं। अच्छा, रिबन और खंगी। रिबन चलिए हम लोग। और मेरे को बैग भी लेना है। ये रहा तिरंगे कलर का रिबन। कितना मतलब एक मीटर का कितना? और कंघी मांग रही है, कंघी दे दीजिए। हो गया कि कुछ और चाहिए बेटा सामान? हो गया। हो गया, चलो कुछ खाएंगे अभी। चलो तो लगभग नीति का सामान भी हो गया, उसके पापा का भी हो गया और भूख लग गई है। सर्दी तो बहुत परेशान किया है, फिर भी मैं सोच रही थोड़ा गुपचुप खा लूं। जाओ सर्दी का वाट लगाते हैं अपन। बाबू खा रहा है हैं? कौन बाबू का लूटते हैं? अभी हम लोग आ गए हैं मार्केटिंग करने के बाद। मार्केट इसलिए गए थे क्योंकि 15 अगस्त परसों है तो फिर उसी का तैयारी नहीं, नीति के पापा का कुछ कुछ सामान तो भिजवाने बोले क्योंकि जहाँ वो रहते वहाँ मार्केट नहीं है। तो लोग आने के बाद अभी किचन में लग गए हैं। आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो हम दोनों किचन में, पूरा तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मदद कर रही हूँ मैं दीपू का क्योंकि दीपू लेके आया है आज मार्केट था यहाँ संडे मार्केट चिकन। तो मुझे थोड़ा सा दीपू के ऊपर क्या बोलूँ भरोसा नहीं था कि वो अच्छा टेस्टी बना ले, इधर दिखा सका तो मेरे से लिए थोड़ा छौक देती हूँ, वो चलाते रहेगा सो लग जाते हैं कामों पे।
कुटा की अदरक ले डाल, निकाल के डालना इसके बाद जस्ट बाद डालो। मिर्ची काटा है इतना ही मिर्ची। ये रहा हमारा चिकन बन गया है और उधर पड़ोसी से क्या बोलते पपीता का सब्जी भी आया है, खाना निकल चुका है। आ जाओ बेटा आ जाओ, खाना खाने आ जाओ, ले कोको खाने आ जाओ। तो खाना वाना खाने के बाद में नीति तो बहुत जल्दी सो गई, थक जाती है पढ़ पढ़ के। हम लोग बाबू सोया नहीं है तो फिर अभी हम लोग भी सो जाते हैं और मिलते हैं कल, क्योंकि कल बहुत सारा सामान नीति के पापा का 15 अगस्त की तैयारी चल रही है उसमें भेजना है। तो मिलते हैं सुबह, अभी के लिए गुड नाइट गुड मॉर्निंग। तो हम लोग उठ चुके हैं और नीति के स्कूल जाने का तैयारी भी कर चुके हैं और नीति के पापा को सामान भिजवाना है। अभी वही हड़बड़ हड़बड़ हम लोग कर रहे हैं, फिर मैं दिखाती हूँ क्या क्या भेज रहे हैं। ये टमाटर और उधर मिर्ची और हम लोग एक भाटा सब्जी डाल, उसको अच्छे से झिल्ली में डाल। दीपू बहुत महंगा चल रहा है यार टमाटर, सेफ्टी से रख के भेजना है, बस में डालना है कहीं गुम ना जाए। और उनका एक वर्दी, उनके लिए ये वर्दी नया सिलवाए थे 15 अगस्त के लिए, तो ये भिजवाना है हम लोगों को। और कल तो खरीदे थे जूता वूता, आप लोगों को पता है अपना जो डांस का क्या बोलते कॉस्ट्यूम है वो नीति भी लेके जा रही है दिखाने के लिए। अपना रिबन वगैरह रख नीति। तो अभी हम लोग नीति को छोड़ने आए हैं बस तक, और नीति अपना कपड़ा लेके आना ठीक है। ठीक है अभी लेके आऊंगी, बस भी आ चुका है, बस भी आ चुका है, जाओ बाय बाय। तो ये रहा नीति के पापा का पूरा सामान एक थैली। अभी चलिए हम लोग जाएंगे इसको बस में डालेंगे, नाम लिखा है छोटा सा, हेलो नाम आप लिखिए क्योंकि बस में घूम जाता है। चलो बाहर का भी डेकोरेशन बहुत अच्छा है ना दीदी। बाबू को क्या मिला, बाबू को जैम मिला। और अभी हम लोग जाते हैं, बस तो आई नहीं थी तो हम लोग सोचे थोड़ा मिठाई विठाई ले लेते हैं। और मैं आप लोगों को यहाँ का डेकोरेशन दिखाती हूँ। देखिए होटल एंटर करने से पहले ही लोगों के तमाशे यहाँ डेकोरेशन कर दिए हैं। ये रहा पूरा एकदम 15 अगस्त की तैयारी। और अभी हमारा बस आएगा यहाँ पे, तो हम लोग अभी वेट करते हैं। बस का नाम ली और इधर से बस आ भी गया, बस्तर बस। अभी हम लोग सामान वगैरह डाल के आ गए हैं बस में नीति के पापा के लिए, और हम लोग के लिए भी थोड़ा सा क्या बोलते बूंदी लेके आए, बूंदी और मुर्रा, क्योंकि नीति के पापा होते हैं तो ऑलरेडी वो अपने ड्यूटी स्थान पे जहाँ मिठाई मिलता है ला के देते हैं, इस बार वो नहीं है तो हम लोग खुद से खरीद के खा रहे हैं। और तबीयत तो थोड़ा सा सुधार है, कल शायद गुपचुप खा के आ गए तो थोड़ा आज नाक नहीं बह रहा है गुस्से के मारे, और बाकी सब ठीक है चल रहा है। 15 अगस्त की तैयारी, तो कल 15 अगस्त है तो जाएंगे प्रोग्राम देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले आने वाले ब्लॉग में, तो अब तक के लिए बाय बाय।